10,000 सवाल तो सिर्फ यही कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ शहताज के बारे में। जैसा कि रबीका और हुसैन की शादी की बात पक्की हो चुकी है और शादी की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, डांस प्रैक्टिसेस, दोस्तों का आना जाना, व्लॉगिंग, ये सब चल रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में शहताज हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली और उन्होंने इस बारे में क्या जवाब दिया, आप खुद भी इस वीडियो में सुन सकते हैं। ना मुझे नहीं पता कुछ भी भाई, मैं कैसे बता सकती हूँ आप लोगों को, मुझे बताओ। और मैं कैसे बिना इनविटेशन कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे ये भी बता दो। तुम लोग जाते हो कहीं पर बिना इनवाइट, अब बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके? नहीं ना, तो फिर शहताज से एक और भी क्वेश्चन किया गया कि और जरनाब और लारिफ के बारे में और इनके बेबी के बारे में आपका क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुन सकते हैं। पहली बात तो ये, जहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन थी बहुत हाई लेवल की, मगर अफसोस जहाँ से मुझे सबसे पहले पता चलना चाहिए था वहीं से मुझे पता नहीं चला, तो उस पर बड़ा ही अफसोस है आज तक है। और दूसरी बात ये कि मुझे खुद किसी और से पता चला था, किसी और के मुंह से पता चला था और बहुत ही कम टाइम में ही पता चल गया था, मतलब स्टार्टिंग में ही। तो मैं इंतज़ार करती थी कि अब पता लगेगा, अब पता लगेगा, जहाँ से मुझे था कि पता लगना चाहिए, बट नहीं पता लगा। और दूसरों को भी सब कुछ ही पता था, वो खुद मुझे मैसेजेस और सामने होते थे तो पूछ लेते, तुम्हें ये बात पता है? अरे भाई हाँ पता है, लेकिन जहाँ से पता होना चाहिए थी वहाँ से नहीं। यानी कि जरनाब और लारिफ ने शहताज को खुद पर्सनली ये न्यूज़ नहीं दी, जिसका शहताज अपनी इस वीडियो में शिकवा भी करी है। इसके अलावा शहताज से पूछा गया कि आप शादी कब करने वाली हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी शादी है, मैं खुद ही देख लूँगी कब करनी है, किससे करनी है। तो आप लोग मुझे कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ लिंक करना छोड़ें। मैं अगर किसी के साथ वीडियो बनाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। और शाइज राज के बारे में भी उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप दोनों कपल और शादी कब करें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं पहले बेस्ट फ्रेंड करती रहूं और बाद में उसी से शादी भी कर लूं, ऐसा कोई ट्रेंड मैं सेट नहीं करने वाली। शाइजराज आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कल भी मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। फिर इनसे वाजिद खान के बारे में भी पूछा गया कि एज ए कपल इनकी वाजिद खान के साथ बहुत सारी वीडियोज़ हैं। शहताज ने जवाब दिया कि मेरे अकाउंट पर वाजिद खान के साथ एक भी वीडियो नहीं है, जो भी वीडियोज़ हैं उनके अकाउंट पर ही होती हैं और सिर्फ वीडियोज़ की हद तक ही हमारी सलाम दुआ है, इसके बाद हम एक दूसरे को पूछते भी नहीं। ना ही मैं उससे निकाह में हूँ, ना ही वो मेरा शौहर है, ना ही वो मेरा जो है ना क्या नाम है बॉयफ्रेंड है, वो मेरा कुछ भी नहीं है। सलाम दुआ हो जाती है, वरना हम एक दूसरे को पूछते भी नहीं है, सिंपल। पॉइंट ऑफ व्यू से शहताज इसलिए भी इतनी ज़्यादा हर्ट थी क्योंकि वो अपने तमाम फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हैं, इनके तमाम फंक्शंस पर आगे आगे रहती हैं। शहताज की बातों से भी आइडिया हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रही हैं और उन्होंने कहा भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि वो अपने तमाम दोस्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और इनकी पर्सनल लाइफ जैसी भी है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल और मोहब्बत करने वाली हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की वैल्यू शायद शहताज को अपने फ्रेंड से नहीं मिली, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो रही हैं। सो व्यूअर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।